अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर शिराजी, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। कुछ भाई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कुछ कमेंट सेक्शन पर यूट्यूब पे पूछ रहे होते हैं कि डामिया मैक और डामिया फोर्स में से कौन सी मेडिसिन लें। ये दोनों ही मैक्टम कंपनी की मेडिसिन है। ये भी डब्बी में 10 गोलियां होती हैं और ये भी 10 गोलियां होती हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मैक्टम कंपनी की मेडिसिन है, दोनों का एक ही काम है। ये जो डामिया फोर्स है ये पुरानी पैकिंग है और डामिया मैक ये जो है ये न्यू पैकिंग में आई है। प्राइस भी सेम है और रिजल्ट्स जो हैं वो भी सेम ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है थोड़ी फास्ट रिजल्ट्स देने वाली ये डामिया मैक टैबलेट्स उन्होंने जो न्यू डब्बी निकाली है ये शादीशुदा अफराद के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारी दूंगा, कहाँ से मिलेगी, प्राइस वगैरह, तरीका का सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो को फुल वॉच करें, एंड तक देखें ताकि आपको सारी समझ आ जाए। डियर फ्रेंड्स, डामिया फोर्स जो के ऐसे मर्दों के लिए जिनको नाइटफॉल, सरतंजाल और नामर्दी, जिनसी ख्वाहिश की कमी, इन सारे अमराज का सामना करना पड़ता है मास्टरबेशन की वजह से, गलतकारियों की वजह से। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, पट्ठों में खिंचाव रहता है, लो ब्लड प्रेशर का मसला है, और ख़ासकर जो अनमैरिड हैं वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन छोड़कर एक गोली आप खाने के बाद इसको ले सकते हैं। दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें। होम्योपैथिक की शॉप से ये 450 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी। मैक्टम कंपनी की है ये डब्बी में 10 गोलियां होती हैं। मैं आपको थोड़ा ओपन करके ये डब्बी दिखा दूं, इस तरह की दिखने में होगी। मैक्टम कंपनी की है और इसका जो तरीका कार है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझा दूं। डियर फ्रेंड्स, सरतंजाल, कोते बा में कमी, ख्वाहिश का कम होना, इहतलाम वगैरह, इसके अलावा मर्दों को हयात, ताज़ा और हज़ार सीद फूलों की तरह रखने के लिए, रुखसारों को गुल बहार की मानद रखने के लिए, मर्दों की जिनसी सलाहियतों को तवानाई पहुंचाने के, अफाल की कारकर्दगी को बहाल करने के लिए ये बेहतरीन दवा है। कुव्वत बा में इजाफा करने के लिए, और जिन लोगों ने मास्टरबेशन की है उसकी वजह से अगर उनको कमज़ोरी हो गई है, सरतंजाल की शिकायत रहती है, अजदवाजी ज़िंदगी से डिस्टर्बनेस है, तो ऐसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनमैरिड हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डामिया मैक टैबलेट्स है मैक्टम कंपनी की, अगर आप मैरिड हैं तो आप तब इसका इस्तेमाल करें, वक्ते हास के लिए ये बहुत ही अच्छा अलर्ट देती है। अनमैरिड जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये टैबलेट्स जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल रोज़ाना नहीं करें, हसबे ज़रूरत आप इसका इस्तेमाल करें। ये डब्बी भी होम्योपैथिक की शॉप से आपको 450 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। दिखने में ये कुछ इस तरह से होगी। इसका इस्तेमाल आप शाम के वक़्त दूध के साथ एक टैबलेट जो है खाने के बाद ले सकते हैं, खाने के 1 घंटे बाद रिजल्ट्स देगी। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई है वो मैं आपको बता दूं। इसमें एसिड फास्ट मदर टिंचर ऐड किया गया है। इसके अलावा एग्नस कास्टस जो कि गलतकारियों की वजह से या फिर गनोरिया वगैरह या फिर सरतंजाल की प्रॉब्लम उसको ठीक करती है। एवना स्टाइवा जहनी दबाव डिप्रेशन की वजह से अगर कमज़ोरी हो जाए तो उसको वर्क कर उसको ठीक करती है। क्लैडियम सेग सिगरेट पीने वाले जो बंदे हैं उनको अगर कमज़ोरी वगैरह हो जाए तो उसको ठीक करती है। डामियाना मदर टिंचर जो कि मर्दाना स्पर्म, मर्दाना बांझपन को ख़त्म करती है।
जिंकी गो बाइलूबा असाबी कमज़ोरी दिमागी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया था। इसके अलावा यूहिम्बिनम जिस्म में अगर खून की रफ्तार स्लो हो सुस्ती रहे इरेक्शन ना आए तो इन सारे अमराज को ठीक करने के लिए यूहिम्बिनम मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो लोग ये जानना चाहते थे कि डामिया मैक और डामिया फोर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने आपकी ये वीडियो देखी, हमें ये चाहिए, हमने ये देखी, ये चाहिए। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आप डामिया फोर्स इस्तेमाल करें, अगर आप मैरिड हैं तो आप डामिया मैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएंगी, कहीं से नहीं मिल रही तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। कुछ पूछना है या जानना है, इलाज करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कर लें 03157100024। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।